आरजेडी तो जंगल राज हाँ, जंगल हाँ, राज है। सही बोल रहे हैं, बढ़िया है। मोदी जी कहते हैं, अच्छा अमित शाह जी कहते हैं, तेजस्वी जी बहुत बढ़िया है, मतलब तेजस्वी है। वाह क्या बात, कभी बात करते हैं वो बेरोजगारी पर बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, उनको कभी नहीं देखे कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये लोग कभी नहीं काम किया है, लेकिन क्या भरोसा कि आगे भी करेंगे? करेंगे है? कैसे मान लेंगे? युवा हैं, करेंगे, बात के मतलब, पक्का हैं। अच्छा बात के पक्का है। बार आरजेडी के देंगे वोट, हमर जीते चाहे हारे, बाकी जीतने जा रहा है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं मगध मंच, और मगध मंच में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किंजर, बात करें कि यहाँ का दर्शकों से कि क्या माहौल है, कौन इनके क्षेत्र में काम किए हैं, तो हम बात करेंगे। चाचा जी आपका हमारे चैनल में बहुत ही स्वागत है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जोगिंदर यादव। जोगिंदर यादव, आपके लोकसभा क्षेत्र से सांसद जी हैं, उनका मतलब क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव तो अभी वर्तमान में सांसद नहीं है आपके? ना अभी नहीं है, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी है। हाँ चंद्रवंशी जी है। तो चंद्रवंशी जी आपके जो गांव है कोठिया, जो किंजर के अंतर्गत आता है, उसमें आपके पंचायत में क्या काम किए हैं? कुछ काम तो किए होंगे, बताइए। तो हम तो दौरान भी नहीं कभी किए हैं, मतलब अभी तक वो नजर भी नहीं आया, चेहरा तक नहीं देखे, चिन्हते भी नहीं, मैंने पहचानते तक नहीं आप, तो आप पहचानते नहीं है तो उनको वोट कैसे कर दिए, बताइए, सवाल तो बनता है। आइए नजदीक आ जाइए, जानते नहीं थे तो उनको वोट कैसे कर दी, जीत कैसे गए बताइए, सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, तो आपसे हम लोग उनको नहीं करेंगे, हम करेंगे अपना सुरेंद्र यादव को। सुरेंद्र यादव जी को आप सुरेंद्र यादव के ऊपर कैसे भरोसा करें कि वो भी हमारे क्षेत्र में काम करेंगे विकास के लिए? वो आते हैं, आने से थोड़ी विकास मेरा हो जाएगा। चाचा जी से थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ बताइए, सुरेंद्र यादव कामी आदमी है, हमने शुरू से देखे हैं उनका, सुरेंद्र यादव भी कामी आदमी है। तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि उनके आने से फिर जहानाबाद का वही दौर शुरू हो जाएगा जो 1999 में था, जंगल राज। वही तो अपने तो है पलटीना, पलटीना है कि पलटू राम? पलटू राम, पलटू राम है तब जी। तो फिर भी आखिर सरकार में कैसे रह रहे हैं बताइए, पलटी मार मार के? आप लोग यादव है, यादव का जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा बहुमत है, और यादव आपका आपके संसदीय क्षेत्र में सांसद नहीं है, बहुत बड़ा विनम्र है, धोखा में पड़ गए हम लोग, इस बार भी धोखा में पड़िएगा? पैसा उसे लेकर वोट देते हैं का? हाँ, पैसा बेचे वाला नहीं है, आरजेडी के एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, आरजेडी के देंगे वोट, हमर जीते चाहे हारे, बाकी जीतने जा रहा है बढ़िया से, आरजेडी जंगल राज। सही बोल रहे हैं, जंगल राज बढ़िया है, मोदी जी कहते हैं, अच्छा अमित शाह जी कहते हैं, तेजस्वी जी बहुत बढ़िया है, जंगल राज बोलते हैं। 17 महीने रहे कि कितना कमाल करके धर दिया, 17 महीना में 17 साल में भारी है ना। अच्छा अभी के जनता है जो आपके क्षेत्र में विकास का जरूरत है या फिर पैसा वोट देने वाले लोग? विकास की जरूरत है, विकास का जरूरत है, तो सबसे अच्छा कौन अभी काम करेंगे? चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी करेंगे कि सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी के सब बाहुबली कहता है, बाहुबली बिल्कुल अचरंग लगाता है लोग, गलत बात है, सही में ना बहुत अच्छा आदमी है वो, तो सब बोलता है कि बाहुबली है। इस बार मतलब किनका माहौल इधर है? सुरेंद्र यादव का निकाल लेंगे पक्का, अभी पक्का निकाल लिए वो, आपको लगा आप बिके हुए? हाँ भैया सही बात बोल रहे हैं। हाँ सही बात है, हाँ सही बात, आप नवयुवक हैं, आपको कौन पसंद है, प्रसाद चंद्रवंशी जी की सुरेंद्र यादव? सुरेंद्र यादव तो सुरेंद्र यादव मतलब विकास करेंगे, कैसे कह सकते हैं आप जी कि विकास करेंगे? वो कहानी इनखे धोखा दे देंगे, धोखा नहीं देंगे, उनका आवे से बोलता है जंगल राज आ जाएगा, सही बात है। तेजस्वी जी से कितना आप खुश हैं ये बताइए? बहुत खुश हैं। कैसे, कौन वजह से, कारण बताइए का दूगो? रोजगार तो मोदी जी जुमलाबाद, मोदी जी भले जुमलाबादी है कि 15-15 लाख कर के खाता में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो बैठा रहेगा तब नौकरी होगा, तो पढ़ते नहीं है, है? पढ़ते नहीं, तो मोदी जी कहते हैं कि पढ़े वाले लेकिन नौकरी कर रहा है, सब कहीं मैंने 5 लाख लेकिन है, 50 गो सीट निकल गया तो क्या होगा, यानी मोदी जी से आप नाराज हैं? नाराज है ना, मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो इस बार किसका सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, केंद्र में राहुल गांधी की मोदी? राहुल गांधी तो तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत बनाइएगा, सुरेंद्र यादव को जिता ही देना, जिता के दम बैठाना है, जब पक्का, आप लोग कभी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आए हैं सुरेंद्र जी? जी जी आए हैं, उनसे आप लोग मतलब बात विचार किए होंगे, तो कैसे नेता है? नेता अच्छा है, ऐसा बात ना है, चंद्रवंशी से बहुत बढ़िया है, वो तो कभी अभी नहीं किया है 5 साल में, इधर एक बार नहीं आए। अच्छा नहीं आए? नहीं। नीतीश कुमार जी कि मेरे आने से शराब बंदी पूर्णता हो गया, क्या ये सही बात है? नहीं गलत है, और शराब के दाम बढ़ गया, शराब दाम बढ़ गया जी, शराब बिक रहा है जी। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप जी, चाहिए का सर? सही में बिक रहा है जी, जी सही, खुलेआम बिक रहा है, सही बोलेगा, सही बता रहे, खुलेआम बिक रहा है, सब लोग जान रहे, सरकार भी जान रहे इस चीज को, आपके मुख्यमंत्री जी, लेकिन सबको मूर्ख बना के रखे हैं, सबको मूर्ख बना रखे, सरकार भी जान रहे हैं, और क्या, हर कोई भाई साहब एकदम के बोतल चाहवा शराब, के बोतल चाहवा शराब, मतलब तेजस्वी है। वाह क्या बात, अगर ऐसे ऐसे लोग आप
आपके जैसे लोग हमारे बिहार में गए अच्छे तरीके से, तो हमारा तो बिहार में बेरोजगारी बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा, बहुत जल्द दूर हो जाएगा। तो मतलब साफ साफ अभी आरजेडी एकदम सरकार बना ही दे रहा है और इंडिया जीतेगा। बदलमाहू ना ये बात, चंद्रेश्वर जो चंद्रवंशी है उनको लोग मौका दिया कि अच्छा काम करें, लेकिन नहीं किया, जनता नकार दिया उनको। अभी काम किया है लेकिन क्या भरोसा कि आगे भी करेंगे? करेंगे कैसे मान लेंगे? युवा हैं, करेंगे, बात के पक्का हैं। अच्छा, बात के पक्का है, सही बात है, सही बात है। मंदिर मस्जिद कभी बात करते हैं, वो बेरोजगारी पर बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, उनको कभी नहीं देखे कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान लोग कभी नहीं बोले। मतलब ये सब भाजपा वाला के काम है, बस इधर से उधर जुड़ा देना है, राम मंदिर जुड़ा देना है। सब समझ चुका, कोई कोई बुर्वक नहीं है, सब सब शिक्षा पर है और बेरोजगार है, बस फैक्ट्री जो लगाएगा हाँ, उसी को हम लोग वोट सपोर्ट उसी करेंगे, को वोट देंगे, अन्यथा नहीं, एकदम विरोध करने का काम करेंगे। हाँ, विरोध के काम कर ही रहे हैं। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को लोग जनता नकार दिया ना जी, उनको 5 साल दिया मौका, इधर के लोग कोई जानता भी नहीं, नहीं पहचानता है, कभी इधर आए भी नहीं है, नहीं आया अभी, संसदीय क्षेत्र में नहीं, नहीं कभी नहीं, वो पैसा का बदला भले टिकट ले लिए हैं वो अलग बात है। इस बार उन लोग उनको आप लोग नहीं वोट देने जा रहे हैं, इस बार लहर किसका है? आरजेडी।